आज हम बनाएंगे कुछ तीखा चटपटा राजस्थान की फेमस मिर्ची वड़ा। राजस्थान में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो चलिए मिर्ची वड़ा बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन, तो पहले हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कप बेसन ले लिया है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन को क्रश करके डालें, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर हम बहुत कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैटर बना के तैयार कर लिया है। तो जैसे हम आलू और गोभी के पकौड़े बनाते हैं, उस पकौड़े के घोल से इसका घोल जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। घोल को हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक के तब तक साइड में रखते हैं, क्योंकि घोल को थोड़ी देर फूलने के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब लेंगे एक जार, इसमें हम एक चम्मच धनिया, दो से तीन हरी मिर्च, आधी इंच अदरक डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा। सभी को हमें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। गैस पे कढ़ाई गर्म करेंगे, हाफ बड़ी चम्मच इसमें हम तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, आधी चम्मच राई, राई के चटकने के बाद इसमें हम दरदरा किया हुआ मसाला डालेंगे, मसाला को मिक्स कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक तिहाई छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर मिर्च पाउडर डाल दिया है, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आलू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीन बॉयल किया हुआ आलू ले लिया है, मीडियम साइज़ का। आलू को अच्छी तरह से मैश करके फिर इसमें डालेंगे। तो आलू में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसे अच्छी तरह से मैश करके ही डालें। आलू को भी हम मसाला में मिक्स कर लेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे सादा नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काला नमक भी डाला है, काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो कसूरी मेथी आप इसमें ज़रूर डालें। मिक्स करते हुए दो मिनट पका लेना है। तो आलू मसाला को मैंने दो मिनट पका लिया है। आधी छोटी चम्मच इसमें गर्म मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को मिक्स करके मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। तो यहाँ मैंने कुछ मिर्च ले लिया है, ये हल्की सी मोटी है और ये तीखा नहीं होता है, बहुत ही कम तीखा होता है। आप इस चाहे तो छोटी वाली भी मिर्च ले सकते हैं, मैंने यहाँ लंबी वाली मिर्च लिया है। मिर्च को आप दो हिस्सों में भी कट कर सकते हैं, मैंने इसे कट नहीं किया है। तो मिर्च ले लेंगे और इसे बीच से इस तरह से कट करेंगे। मिर्च को इस तरह से फैलाते हुए इसके सारे बीज को निकाल लेंगे। तो छोटी वाली जो चम्मच होती है उसके उल्टे साइड से इस तरह से जब निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके बीज जो है वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से सारे मिर्च के बीज को हम निकाल लेंगे। तो देखिए सारे बीज जो है वो निकल चुका है, तो इसी तरह हमें बीज को निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने सभी मिर्च को बीज से कट करके और इसके बीज को निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाला, तो थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से इसमें मसाला भरेंगे, तो मसाला अंदर से अच्छी तरह से भरे। इसके ऊपर से भी हम मसाला लगाएंगे, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटा मसाला आलू का ना लगाएं, थोड़ा सा पतला ही लगाएंगे। ऊपर से हमें आलू का मसाला भी अच्छी तरह से फैलाते हुए कोट करके लगा लेना है, इस तरह से हाथों से इस तरह से दबा दें। बिल्कुल ऊपर से पतला आलू का मसाला लगाएंगे, हाथों से दबाते हुए फैलाते हुए लगा लें। और ये हाँ, मैंने मिर्च में आलू का मसाला लगा के तैयार कर लिया है। तो बैटर को भी रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो मैंने यहाँ पे एक चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। आप इसमें अगर बेकिंग सोडा के जगह पे एक बड़ी चम्मच हल्का सा गर्म तेल करके भी डाल सकते हैं। जब हम घोल को थोड़ी देर रखते हैं तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो यहाँ घोल थोड़ा गाढ़ा हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया है। दो मिनट अच्छी तरह से इसे मैंने फेंट लिया है, तो घोल यहाँ रेडी है। तो घोल को हम डालेंगे एक ग्लास में। ग्लास में डालने से हमें पकौड़े तलने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी ग्लास में आप डाल के इस तरह से इसमें मिर्ची के डंडल को पकड़ के इस तरह से डुबाएं और इस तरह डायरेक्ट हम तेल में डालेंगे। तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, मीडियम गर्म रखेंगे और फ्लेम को भी मीडियम रखेंगे।
एक एक करके सभी मिर्ची बड़ा को इसी तरह तेल में डालते हुए हमें फ्राई कर लेना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में करीब 5 से 7 मिनट लग जाता है, क्योंकि अंदर तक हमें मिर्च को भी पकाना होता है। जब तक मिर्च भी अंदर से अच्छी तरह से ना पक जाए और अच्छा सा कलर ना आ जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट इसे ज़रूर फ्राई करें। तो जैसे इसमें कलर आ जाए, फिर इसे हम निकाल लेंगे। अगर आलू का मसाला कम पड़ जाए तो आप डायरेक्ट मिर्च को बीच से कट करके और बेसन में डुबो के भी इसे फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये लीजिए, टेस्टी टेस्टी मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है। तो इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए, अंदर मिर्च भी अच्छी तरह से पक चुका है और इसकी आलू का मसाला भी अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।